पर सुजहां पर हुस्न के जाल में फंसाकर युवक को ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। इस बार शादीशुदा लोग का छात्र फंसा है। आरोप है कि युवती ने पहले युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका अश्लील वीडियो फोटो बनाकर शादी करने का दबाव डालने लगी। इतना ही नहीं, वायरल करने की धमकी देकर 1.5 लाख रुपए तक वसूल लिए। युवक की शिकायत के बाद डीवी नगर पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि युवती ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। विजय कुमार के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाया गया है कि महिला के द्वारा ब्लैकमेलिंग की जा रही थी और कुछ वीडियो है उसको वायरल करने का धमकी दिया जा रहा था और उनके द्वारा जो पीड़िता है उसको 1.5 लाख रुपए का मतलब ब्लैकमेलिंग भी कर चुकी है। इसी के कार्यक्रम में डीडी नगर में 384 का अपराध पंजीबद्ध करके जो आरोपी महिला है उसको अरेस्ट की गई। अयोध्या में आबकारी विभाग के